नमस्ते दोस्तों। जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उल्वे में एक पैनिक की स्थिति बन गई जब शाम टीवी पर एक न्यूज चली और उसमें नीचे लाइन आई कि उल्वे में एक और पेशेंट, नया पेशेंट मिला है। ये बात का खंडन उल्वे मेडिकल सिडको के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बावस्कर ने कर दिया। मैंने भी फोन किया, उन्होंने भी फोन किया, डेप्यूटी कमिश्नर शिंदे साहब तक को फोन कर लिया हमने पनवेल के, लेकिन उल्वे में कोई भी कोरोना का पेशेंट एक्स्ट्रा नहीं मिला है। हो सकता है कि शाम टीवी ये कोई पुरानी न्यूज दिखा रहा हो। जी हाँ, कभी कभी ये बड़े बड़े चैनल ऐसी गलतियां कर देते हैं, कुछ भी चला देते हैं, इनको समझ में नहीं आता है। और अगर इनकी बात सच्ची होती तो इतने डेप्यूटी कमिश्नर और NMMC हॉस्पिटल और सब जगह से डॉक्टर बावस्कर ने कन्फर्म कर दिया। मैं आपको डॉक्टर बावस्कर से जो बात हुई उसकी एक क्लिप आपको सुनवाता हूँ। प्लीज सुनिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, घर में रहिए, लेकिन पैनिक मत होइए कि एक और पेशेंट मिला है। Am I talking to Dr. Bhavaskar? डॉक्टर बावस्कर, देर इज अ न्यूज ऑन शाम टीवी। शाम टीवी पे एक न्यूज चल रही है कि एक और पेशेंट मिला है, तो क्या ये बात सच है? नहीं नहीं नहीं, हमने मैंने अभी तालुका मेडिकल ऑफिसर जिनके पास फर्स्ट रिपोर्ट आता है उनसे बात की। उनका कहना है कि ऐसी कोई न्यूज नहीं है, ऐसी कोई केस डिटेक्ट नहीं हुई। उन्होंने नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी कंफर्म किया कि उनके पास कोई ऐसी केस उल्वे से रिपोर्ट नहीं हुई। और उनका कहना है कि पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी उन्होंने पूछा तो वहाँ भी कोई केस रिपोर्ट नहीं हुई। और हमारे मेडिकल ऑफिसर ने आज किसी को भेजा नहीं टेस्टिंग के लिए या कहीं सस्पेक्टेड सही भेजा नहीं एग्जामिनेशन के लिए। हो सकता है कि इनके पास शायद पुरानी न्यूज हो जी, ये पता नहीं जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपके से मुझे पूछना था क्योंकि मैं इस पे न्यूज करना चाहता हूँ सर। ओके धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर बावस्कर जी, हाँ, सिडको मेडिकल ऑफिसर, और इन्होंने बात का खंडन कर दिया है। जी हाँ, ये एक गलत खबर है। नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और यदि आपको पत्रकारिता चाहिए, चाटुकारिता नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और घंटी का बेल ऑन कीजिए।